नंद राय के घर में जो दो हैं कृष्ण और बलराम, वही है तुम्हारे शत्रु। जितने असुरों को तुमने वहां भेजा कोई जीवित वापस आया ना, तब तुम जाकर क्यों नहीं वहां जाकर समाप्त क्यों नहीं कर देते, खुद जाते युद्ध करके मार देते वहीं पर चढ़ाई करके। तो महाराज जी बैठे हैं, स्वामी जी ने एक यहां पर एक बड़ा सुंदर भाव बताया कि एक बार कंस को पता लगा कि बरसाने से टैक्स नहीं आता है, बरसाने से वृषभानु जी टैक्स देते नहीं हमें। तो कंस चढ़ाई किया बरसाना पर, चले गए, संयोग से वृषभानु जी नहीं थे, राधा रानी मिल गई और बड़े जोर से डांट कर कहा, ए तुम्हारे यहां से हमें टैक्स नहीं पहुंचता है, कहा है वृषभानु से कहो मुझे टैक्स पहुंचा दे। राधा रानी ने कहा कि भाई वो तो बाद में होगा, लेकिन पहले आवाज नीची करके बात करो, हमारे यहां ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करता है। या तो राधे जू को राजधाम वृंदावन में कहत स्वयं ब्रज राज धाम वृंदावन में, भगवान खुद कहते हैं यहां तो राधे रानी का राज चलता है। राधा रानी ने कहा कि यहां तो हमारा राज चलता है, हम किसी को टैक्स नहीं देते। कंस आग बबूला हो गया, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मुझे टैक्स ना दे, ऐसी हिम्मत किस में हो गई है। सो ज्यादा चढ़ रहा था, राधा रानी ने एक फूंक मारी, खाली केवल ऐसे फूंक मारी कि वो तो कंस से कंसनी बन गया, स्त्री बन गया। कंस स्त्री बना तो बना, उसके साथ में जो आए थे सैनिक सब सब कन्या हो गए, घोड़ा भी घोड़ी बन गई, उसके रथ के घोड़ा। अब तो कंस अपने को देखे तो शर्माए कि भाई मैं कैसा से क्या हो गया, शर्म के मारे अब कहीं निकले ना। अब तो राधा रानी के आगे पीछे करने लगा कि मुझे फिर से वापस बना दो। राधा रानी बोले कि बहुत दिन से तुमने टैक्स नहीं दिया है, अब यहाँ टैक्स चुकाओ कुछ दिन तक, तब तुझे छोड़ूंगी। क्या करना पड़ेगा, चलो गौशाला, गौशाले में जाए गोबर फेंको, गोबर उठाओ, सानी पानी करो, खूब सेवा लिया, काफी दिन हो गए। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे तो कंस पहुंचा के देखो गुरुदेव आए, प्रणाम किया, क्या बात है कौन हो, कहा कि गुरुदेव मुझे पहचानो, मैं कंस हूं। अरे कंस तुम्हारी ये हालत, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले क्या बताऊं, मुझे स्त्री बना दिया गया है, कोई कृपा करो। किसने बनाया? राधा रानी। बोले बाबरे उसी के पैर पकड़, वो तो बहुत भोरी है, मतवारी है, बहुत भोले, उनके चरण पकड़ ले। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। श्री राधे दयालु है, राधा रानी इतनी दयालु है। एक बार निकुंज में लीला करने में राधा रानी दिखी नहीं, सुख कन्हैया रोने लगे, राधा रानी को नहीं देखा तो कन्हैया व्याकुल हो गए। कहा
काफी देर के बाद राधा रानी पहुंची तो कन्हैया नाराज बैठे, बोले ही ना। राधा रानी समझ गई, सो राधा रानी कहने लगी कि बड़े भोले बनते हैं और स्वयं नाराज होकर बैठते हैं, गलती भी करते, नाराज भी होते हैं। कन्हैया ने सोचा कि मैं नाराज होने का मेरा अधिकार है, क्योंकि विलंब से आई है और आते इस ऊपर से डांट भी रही है, देखो तो सही। राधा रानी जो विशाखा आदि सखियां थी वहां, ललिता आदि, उसने कहा कि राधे तुम विलंब से आई हो और ऊपर से कन्हैया को डांट रही हो। बोले नहीं, डांट नहीं रही हूं, लेकिन मैं तो ये बता रही हूं ये जो फक्कड़ साधु संत हैं घर द्वार छोड़े हुए, गली गली में इनका नाम लेकर डोलते हैं, ये सब किसके भरोसे आए मालूम है? किसके भरोसे इन लोगों ने घर द्वार परिवार धन धाम सब कुछ त्यागा है, किसके भरोसे? बोले कन्हैया के भरोसे। और श्रीमान जी को खबर है, आज मैं जब यहां आने के लिए निकली तो 7-8 साधु संत दूर से पैदल चल करके वृंदावन आए थे। वो संत भूखे रात में सोने जा रहे थे, थके हुए थे, उनको हिम्मत नहीं थी भिक्षा करके खाएं। संतों को लगा कि अब छोड़ो, कौन जाए माधुकरी मांगने के लिए रात में, थक भी गए, सो जाते हैं, सब जगेंगे। वो साधु संत यदि रात में भूखे सो जाते तो क्या होता? हमारे भरोसे आते हमारे धाम में, तो तुम क्या कर रही थी? राधा रानी कहती, फिर मैं उन सब के लिए भोजन बनाकर तुरंत लेकर गई, एक छोटी सी रूप बनाकर गई। बोले बाबा लो, पुजारी जी ने भेजा है आपके लिए, भिक्षा कर लो। और सब बाबा को भोजन करा करके उनको सुलाकर फिर आई, इसीलिए बुला। कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं, राधे धन्य है, ये तो अन्नपूर्णा है, कितनी करुणा इसके अंदर में है। करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे, ओ करुणामय कृपामय मेरी दयामय राधे, रानी के चरणों में लेट करके प्रणाम करने लगे। राधे रानी तुम हो तो लोग मेरी पूजा करते हैं, तुम हो तो लोग मेरी वंदना करते हैं, अगर तुम ना होती, जिस अवतार में तुम साथ नहीं आती हो उस अवतार को कोई पूजा नहीं करता, कितनी करुणामयी है, सबका ख्याल करती है ये बरसाने वाली। देखो सावरिया सेठ से हमारे पधारी हैं, अभी मुकेश जी आए, भक्त वहां से चलकर आ गए। सावरियो है से
सावरियो है सेठ मारी राधा जो सेठानी है सावरिया है से हो सावरिया है से मारी राधा जो सेठानी है सावरिया है से हो सावरिया सेठानी है सावरिया है वे सबको भरती रहती है सबको देती रहती है बाद में कंस के चरण पकड़ने पर राधा ने माफ किया और कहा कि देखो माफ तो करती हूँ इस शर्त पर कि तुम कभी ब्रज में पैर नहीं रखोगे दोबारा ब्रज में पैर रखा कि उसी दिन तुम फिर से स्त्री बन जाओगे तब से इसी भय के कारण कंस ने गिनती करो तो कितने असुरों को भेजा ब्रज में कोई दूर नहीं था लेकिन स्वयं कभी हिम्मत नहीं हुई यमुना पार करने की कभी यमुना पार नहीं किया स्वयं कितने असुरों को भेज दिया पूतना उत्कोच तृणावर्त अघासुर बकासुर धेनकासुर प्रलंबासुर अरिष्ट कितने असुरों को भेजा है तो इस प्रकार स्वयं नहीं गए नारद जी ने कहा तो उपाय करो नहीं जा सकते तो उनको ही यहां बुला लो बोले हाँ गुरु जी यही उपाय करते हैं ठीक है बुलवाया क्या किया धनुष यज्ञ का आयोजन किया नाग पंचमी पर मेला लगाया आज भी नाग पंचमी पर वाराणसी में और जहां तहां मेला लगता है और लोग जो पहलवान होते हैं वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और लोग इनाम देते हैं उसको मेला में तो नाग पंचमी मेला किया और सबके सब को निमंत्रण दिया अक्रूर जी को भेजा है बलराम और श्री कृष्ण भैया को लेने के लिए अक्रूर जी आए ब्रज में और ब्रज में आकर गौशाला में प्रभु से मिले अक्रूर जी के मन में बड़ा उत्साह है षड्यंत्र के बारे में बताया और ये बताया कि देवकी जी उनकी माता कितनी तड़प रही है कितनी व्याकुलता है उसके मन में वो तो दिन रात यही कहती है पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार उमड़ उमड़ मोर जियरा कर से बहे दूध की धार सोचो माँ तो है माँ के छाती में दूध है लेकिन पीने वाला बालक नहीं है उनको लगता है मेरा मुन्ना मेरा बालक दूध पीता है कि नहीं कहीं भूखा तो नहीं रह गया माता देवकी को याद करके कन्हैया रोने लगे बलराम भैया ने कहा आंसू पोंछ लो और चलो दायित्व का निर्वहन करो बालपन चला गया आए घर नंद राय से मेला में निमंत्रण की बात कही कि दो दिन के लिए कंस ने बुलावा भेजा है चलना है माता यशोदा को पता नहीं था षड्यंत्र के बारे में नहीं तो आने नहीं देती माता यशोदा आराम से सो रही है आधी रात को एक गोपी आती है और गोपी कहती है अरे यशोदा तुम सोई भी हो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने जा रहा है फिर भी तुम सोई भी हो हाँ मुझे तो पता नहीं है क्या हुआ अरे तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ रही है कन्हैया तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा है
यशोदा मैया कहती, अच्छा सुन करके यशोदा मैया बेहोश हो जाती है, सुधबुद खो जाती है और विलाप करने लगती है। कन्हैया सोचने लगे कि मैं मैया से कैसे कहूँ, लेकिन मैया को पता लग गया है तो कन्हैया मैया के पास आकर बैठ जाते और कहते कि मैया आंसू पोंछ लो, मैया हे मैया, माँ मान जाओ, माँ बच्चों की जान होती है, बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो कितनी भोली है, वो कितनी प्यारी है, वो कितनी भोली है, वो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ ओ मैया रो रही है, आवाज नहीं आती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, हंसने से ओ मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे, बारी बारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ, कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है तू, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ, मा। कर्मन सो मिलबो भयो, कर मन ही बिछुड़ा, बाबरे कर्म संभार ले आशोका है बहार, बाबरे कर्म संभार ले आशोका है बहार, विधेना तेरे लेख किसी के समझन आते हैं, मानव अपने सपने संजोए, विधेना अपनी चाल चले, बिछुड़ के भी ना टूट सके ये कैसे नाते हैं,
श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। विधना ऐसी रैन करो, भोर कब हो नहीं हो, भोर कब हो नहीं हो। कितना निर्मल और कितना पावन है माँ का रिश्ता। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे रीत रे। अपने पराए हो जाए है एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत। कृष्ण का जब बन गमन मथुरा तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। फिर रो रो के सारा ब्रज किस तरह कहने लगा। पूरा ब्रज कृष्ण के गमन में वियोग में व्याकुल हो गया। जैसे श्री रामा अवतार में राघवेंद्र सरकार जब वन गमन के लिए प्रस्थान किए, उस वक्त पूरी अयोध्या प्रभु के पीछे लग गई, आज पूरा ब्रज श्री कृष्ण के पीछे। कुछ तो रथ के नीचे आकर लेट गए, नहीं जाने देंगे। यशोदा मैया कहती, लाल जब तू छोटा था एक पंडित जी आए थे तुम्हारा भविष्य वाँचने के लिए। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा लाल एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेंगे, बहुत बड़े राजा बनने वाले। और हाँ, राजा जब बनेंगे तब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। कन्हैया तुम्हें पता है मैंने उस ज्योतिषी को डांट दिया, जा तो चला जाए यहां से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाम फाम, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज। जिस राज्य को पाकर मुझसे मेरा लाला अलग हो, मुझे राजा नहीं बनाना। मेरा राजा तो कन्हैया हमेशा के लिए था, है और रहेगा। मेरा राजा तो तू ही है। लेकिन कन्हैया आज लगता है वो बात सच होने जा रही है। तुम्हारी माँ असली माँ देवकी है ना, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं। नहीं मैया, मुंह पे हाथ रखते कन्हैया, लाला तो मैं तुम्हारा ही रहूंगा। मैया मैया तो मैं तुमको ही कहूंगा, पर कुछ भी हो तुम देवकी के पास जा रहे हो ना, वो तुम्हें आने नहीं देगी वापस, मुझे पता है। लाला मेरा संदेश कुछ तुम ले जाना, कहना उनसे। संदेशो देव के सो कहियो, संदेशो देव के सो कहियो। लाल सब कुछ बता दे, मैंने तुम्हारे बेटे की सेवा में परवरिश में वैसे तो कोई कमी नहीं, मुझ बूढ़ी और गांव की गवारन होने के नाते मुझे जो आता था वो किया,
लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ लगता है, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई। लाला सब बात तो तुम बताना, लेकिन लाला वो बात मत बताना जब मैंने तुझे उखल से बांधा था। आज भी मुझे जब याद आती है तो मेरी छाती फटती है लाला, मैंने कितने कठोर हृदय, मैं मर क्यों नहीं गई, मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए, तुम्हें बांधते हुए मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए। कितना कठोर हृदय होकर के मैंने तुम्हें कष्ट दिया, ये बात मत बताना। कन्हैया बोले, नहीं मैया, ये तो मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। क्यों लाला? मैया यही तो प्रेम का बंधन है, दुनिया में कोई माय का लाल पैदा ना हुआ है मुझे बांध सके, लेकिन तू ही एक मैया है जो मुझे बांध करके भी रखती है, डांट के भी रखती है। मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ, माँ की डांट में इतनी शक्ति है कि परमात्मा को भी रोने के लिए मजदूर कर दे, विवश कर दे। ये तो प्यार है माँ, यही प्रेम का बंधन है। और तुम यदि बांधती नहीं तो मुझे लोग दुनिया में दामोदर भी तो नहीं कहते, तुम्हारी वजह से मेरा एक नाम दामोदर हो गया। लोग पूछेगा दामोदर कैसे, तो मुझे तो सब बात बतानी पड़ेगी ना। तैयारी पूरी हो गई, कन्हैया रथ में बैसे, पुनः पुनः प्रणाम करते, पुनः पुनः मिलते, रथ हाँकते हैं, अक्रूर जी रथ पर, कृष्ण बलराम जी बैठे, दूसरे रथ पर नंद राय, सुनंद, उपनंद, धरानंद, ध्रुवानंद आदि सब भाई बैठे, और गोपियां कोशिश करती रोकने की, लेकिन कृष्ण ने सबके हाथ जोड़े, लीला में विघ्न न करे कोई। भगवान वृंदावन से निकलकर यमुना में स्नान किया है, संध्या किया है, अक्रूर जी को दर्शन दिया है, यमुना पार करके अक्रूर जी के यहाँ रथ गया है, सब ग्वाल वाल कन्हैया और बलराम भैया पैदल शहर घूमने के लिए निकले, और घूमते के क्रम में आज इन्होंने अच्छे कपड़े पहनने के लिए एक रजक, जो कंस का वस्त्र प्रेस आदि करता था, रखता था, रखवाली करता था, ग्वाल वाल ने कहा, कन्हैया हम लोग गांव से आए हैं, यहाँ की महिलाएं अट्टालिका पर चढ़ चढ़ करके ऊपर से हम लोग को देखती है, एक बढ़िया सा कोई वस्त्र हो जाए। उससे मांगा लेकिन नहीं दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन गालियां देना शुरू किया। सो ग्वाल वाल को बड़ा पटा लगा, कन्हैया तुम्हारा अपमान करे ये मुझसे नहीं हो सहा जा सकता, इसको तो अभी दंड दो वरना हम छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया को याद आई श्री किशोरी जी सीता जी की, यही वो दुष्ट है, पिछले जन्म में भी हमसे द्वेष करता था, आज भी ये हमसे द्वेष करता है, इसका उद्धार तो हमें करना पड़ेगा। यद्यपि इसको हमने तब बहुत सम्मान किया था, लेकिन आज प्रभु का हाथ लगे बगैर इसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो कई प्रकार से होता है, एक तमाचा लगाई कि उसके तो प्राण उड़ गए, और उसका तभी कल्याण। किशोरी जी को कहा कि आज मैं तुम्हारे निंदक को दंड देने जा रहा हूं। उसके बाद वस्त्र पहने, वस्त्र कुछ अटपटे छोटे बड़े थे, एक दर्जी ने वस्त्र ठीक किए, भगवान का आशीर्वाद, तुम्हारी दुकान कभी बंद नहीं होगी। उसके बाद एक माली था, सुदामा नाम था, उसने भगवान के श्रृंगार किए, माला पहना, उसको भी आशीर्वाद दिया, कभी खाने पीने की कमी नहीं रहे तुम्हारे यहाँ। एक कुब्जा नाम की सैरंद्री दासी कंस को चंदन लगाने का काम करती, उबटन लगाती, आज गम गम सुगंधित चंदन को देखा है। बाल गोपाल ने कन्हैया से कहा, सब कुछ तो हुआ लेकिन ललाट सुना है, थोड़ा चंदन तिलक हो जाता तो आनंद आ जाता, सुना भाल नहीं सोता है। कन्हैया ने कहा कि अरे सुंदरी,
थोड़ा चंदन हमें भी दे देना। तो आज पहली बार कुब्जा को कोई सुंदरी कहता है, बड़ा बहुत प्रसन्न हुए, कहा हाँ श्याम सुंदर, ये तो मैं तुम्हें ही लगाऊंगी। अपने हाथ से श्रृंगार कर दिया कन्हैया का, बलदाऊ भैया को लगाया, सब गोल ग्वाल बाल को लगा दिया, सब बड़े प्रसन्न हुए और सब जाने के तैयार हुए थे। ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया, अरे जो इतना सुंदर तुम्हारा श्रृंगार की है, थोड़ा उन्हें भी सजा दो, जरा उसके ऊपर कृपा दृष्टि तो करो, तुम कैसे प्रभु हो, थोड़ी उदारता दिखाओ, क्या करूं। बोले इसका भी दुख दूर कर दो, समझ गए इशारा। कन्हैया ने उसके अगले पांव पर पांव रखा, ठुड्डी पकड़ के ऐसा झटका मारा, बोले जरा घूमो एक बार जोर से घुमाया कि वो चार पांच राउंड में घूम गई और उसका दिमाग घुमा, उसका सब अंग सीधा हो गया, वो तो खुशी से नाचने लगी। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, गदगद हो गई, खुश हो गई। और कन्हैया रंगशाला में गए, वहां धनुष को तोड़ा है रात्रि में, आवाज हुई, कंस ने पूछा लोगों से ये क्या है, बोले आज जिन्होंने धनुष तोड़ा है कल उसके हाथे तुम दम तोड़ने वाले हो। तो कंस बहुत डरा, इतना डरा कि रात भर उसे नींद नहीं आई, वो तो पागलों की भांति यत्र तत्र कन्हैया को देखता, पानी पीने के लिए उठाता तो उसमें कृष्ण दिखता, तो पानी फेंक देता, भोजन करने जाता तो उसमें कृष्ण दिखता, वो छोड़ देता, पर्दे में कृष्ण दिखता, तलवार फेंक के मारता, पर्दा फट जाता, कृष्ण नहीं। अद्भुत इनका स्वरूप हुआ, प्रातः होते ही प्रभात में श्री कृष्ण और बलराम भैया और सभी ग्वाल बाल आए रंगशाला में। नीचे से रास्ता था उसमें प्रवेश करने का, जैसे मैच का किसी आपने देखा हो थिएटर होता है ना, सब ऊपर बैठते हैं और नीचे ग्राउंड में खेल होता, तो नीचे से रास्ता था आने का। रास्ते में वह कुवलिया पीड़ नामक हाथी को रखा था, दोनों भाइयों ने, एक ने पूंछ और सूंड पकड़ कर घुमा कर पटका, पटक करके उसके दांत तोड़े और हाथी का वध करके महावत को भी दंड दिया। फिर दोनों भाई एक एक दांत को कंधे पर लेकर रणांगन में घूमने लगे, चारों तरफ एक राउंड लगाई है। और उसी समय में यहाँ वेद व्यास जी लिखते हैं कि मल्लानाम अश्विनी निर्णाम निरवरह स्त्रीणाम स्मरो का मूर्तिमान, वहाँ भगवान के स्वरूप जिसके मन में जैसा भाव था वैसे रूप भगवान के सबको दिखे हैं। गोपानाम स्वजनो असताम, गोपों को लगे कि मेरा स्वजन आ गया, नरवरह मल्लानाम अश्विनी, मल्ल को जो वहां पर लड़ने आए थे विश्व चैंपियन, शल तोशल कूट चानुर और मुष्टिक, ऐसे पांचों विश्व चैंपियन मल्लबाजों को तो लगे कि साक्षात यमराज का दंड कहां से आ गया है, वज्र ऐसा मालूम पड़े। और क्षिति भुजाम शास्ता, राजाओं को लगे कि तो चक्रवर्ती सम्राट है, मृत्युर भोज पते, कंस को लगे कि मेरी मृत्यु आई है, विराट विदुषाम, विद्वानों को लगे तो यही विराट पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा है, और भक्तों को अपना भगवान मालूम पड़े। जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे। और फिर क्या था, मल्ल के साथ भगवान का युद्ध हुआ, दोनों भाइयों ने घमासान युद्ध किया और एक एक करके बारी बारी से पटक पटक करके सबको समाप्त कर दिया। जैसे ही पांचों के पांच धारा साए हुए, तुरंत कंस ने आदेश किया सैनिकों, गिरफ्तार कर लो नंद राय को, वसुदेव देवकी को जान से मार दो और पकड़ लो इन दोनों को। सैनिक दौड़ते, उससे पहले कन्हैया दोनों भाई दौड़कर मंच पर चढ़े, बोले मामा जी पहली बार आए, स्वागत ऐसे करोगे, सैनिकों से स्वागत कराओगे,
लगता है आपको बुखार आ गया है, जरा हाथ लो मैं बुखार देखूं, हाथ देखने के लिए घुमा के पटका और छाती पर एक मुक्का मारा तो प्राण निकल गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जयकारा ऐसे करोगे, जयकारा ऐसे करोगे तो जमराज भागेंगे कि जागेंगे हा? इसलिए जयकारा थोड़ा जोरदार करो। हाँ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह देखो कितना अंतर आया। हाँ आप लोग सो जाते हो लगता है। आखिरकार भगवान ने अक्रूर जी को भी जेल से मुक्त किया, वसुदेव देवकी को मुक्त किया, प्रणाम किया, माता देवकी ने छाती से लगाया, खूब प्यार किया, दुलराया और अक्रूर जी को मथुरा का राजा बनाए। नंद जी 3 दिन तक वसुदेव जी के यहाँ ठहरे, समझा बुझा कर नंद जी को वापस किया है भगवान श्री कृष्ण। और भैया दाऊ भैया के साथ में पधारे हैं संदीप ऋषि के आश्रम अवंतिका क्षेत्र उज्जैन में। उज्जैन के बगल में ओंकारेश्वर है, बड़ा सुंदर अवंतिका पुरुष हमारे स्वामी जी पधारे हैं, परम पूज्य स्वामी श्री नर्मदानंद जी बाप जी महाराज। और एक खुशखबरी आपको बता दें, महाराज श्री के सानिध्य में ओंकारेश्वर में अब श्रीमद् भागवत की कथा स्वामी जी ने पक्की की है और तारीख भी पक्की कर दी है। वो तारीख है 25 जनवरी से 31 जनवरी, नया वर्ष का समय रहेगा, मौसम बड़ा सुहाना रहेगा वहाँ का। तो वहाँ आप सब आमंत्रित हैं, खूब खूब प्रसन्नता से आप जितनी मर्जी उतनी संख्या में आना, कोई बंदिशें नहीं रहेगी वहाँ। और एक खुशखबरी सुनाओ, महाराज जी के सानिध्य में एक और कथा का लाभ वो भी जगन्नाथपुरी में आपको मिलने जा रहा है 10 से 16 दिसंबर, ठीक है ना स्वामी जी? 12 6 से 12 दिसंबर 2019 और ओंकारेश्वर में 25 जनवरी से 31 जनवरी 2020, याद रखना। और 6 से 12 दिसंबर 2019 जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बड़ा दिव्य स्थान है, समुद्र का तट है, जरूर सबको जाना चाहिए जगन्नाथपुरी। मैं भी अभी तक दर्शन नहीं किया हूँ, अभी यहाँ के तुरंत बाद वहीं का कार्यक्रम था, बद्रीनाथ छोड़ के हम सब वहीं जाने वाले थे, पुरी सबका टिकट बना था, इन सब ने कहा था स्वामी जी हम सब प्लेन से जाएंगे, सब ने टिकट बनाया था, लेकिन वो तूफान ऐसा आया, फोनी तूफान, उसने सबको अनहोनी कर दिया और सबका परिवर्तन हुआ। अब ये दिसंबर में हुआ तो बहुत अच्छा होगा, आप सबको अवसर मिलेगा, क्योंकि अभी होता तो आप सब लाभ नहीं ले पाते। ये तो एक तरह से बहुत अच्छा हुआ, अब हम लोग दूसरे धाम भी कर सकते हैं। तीसरा और एक लाभ है, तीसरी खुशखबरी, क्योंकि आप सब गुजरात में रहते हैं तो गुजरात वाले दिवाली के समय बाहर नहीं जा सकते, हमने देखा 2 बार ऐसा करके देखा, क्योंकि ट्रेनों में टिकट नहीं मिलता, टिकट मिलने पर भी सीट नहीं मिलती है, इतनी भीड़ हो जाती है कसम कस करके। इसलिए दिवाली में गुजरात में ही कार्यक्रम हो, वीरू भाई की यही इच्छा है, इसलिए इस कार्यक्रम को द्वारिकानाथ के द्वार में करने जा रहे हैं। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। बिल्कुल द्वारिकाधीश के प्रांगण में ही दिव्य कथा रसायन का आरंभ होगा। तारीख है 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, 30 से 5 ना 5 30 अक्टूबर से 5 नवंबर। तो आप सबको इसमें बढ़िया दिवाली की छुट्टी रहती है, उस छुट्टी का लाभ मिलेगा और बाहर के जो भक्त हैं वो भी वहाँ आ सकते हैं, वहाँ घूमेंगे, सोमनाथ है और नागेश्वर है और भेंट द्वारिका, द्वारिका आदि, तो बड़ा अद्भुत, भगवान के धाम में जाकर भगवान की कथा सुनने की महिमा बहुत अलौकिक। हाँ एक और कथा का, देखो इस बार तो तीर्थों की भरमार है, समझो
चित्रकूट में एक श्री राम कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। तारीख है 1 सितंबर से 7 सितंबर, तो आप सब वहां भी आ सकते हैं, सब सूचना आपको मिल जाएगी। तो इन सब खुशखबरी, तो बड़ा सुंदर द्वारिका का आनंद, पहले इसके पहले तुरंत द्वारिका ही है ना, द्वारिका से पहले कोई कथा चित्रकूट वाली, चित्रकूट वाली। तो द्वारिका नो नाथ मारो राजारण छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, हम लोग उनके शरण में जाएंगे और वहाँ सुंदर कथा का लाभ लेंगे। अब मैं संक्षेप में कथा को पूरी करूँ, स्वामी जी का आशीर्वचन भी लेना है। मैं निवेदन कर रहा था, भगवान ने संदीप ऋषि के आश्रम में जाकर 64 दिन में 64 कलाओं की विद्या प्राप्त की और शीघ्रता से गुरुदेव को प्रसन्न करके गुरु माता को उनके मरे हुए पुत्र को वापस लाकर दिया, शंखासुर का वध किया और यमधाम से यमपुरी से जाकर के उनके पुत्र को लाकर गुरु माता को अर्पित किया और फिर वापस आए मथुरा, जहाँ कंस मामा के ससुर जी, कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति, दोनों जरासंध अपने पिता जरासंध अवध मगध नरेश जरासंध के पास गई और जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। दोनों भाई युद्ध में लग गए, सारे सैनिकों को समाप्त किया, पकड़ लिया था जरासंध को, श्री कृष्ण ने छोड़ दिया, फिर से चढ़ाई किया, फिर सैनिकों को मारते और हर बार जरासंध को छोड़ देते और आखिरकार 17 बार ऐसा ही हुआ। भगवान ने सोचा ये जरा है, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा जब आए तो गठिया बात बन के शुरुआत में करता है, गठिया पैर में होता है ना, पकड़ ले समझना बुढ़ापा आ गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। बुढ़ापा से बचने का हर कोई प्रयत्न करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। श्री कृष्ण ने सोचा कि इससे लड़ने से अच्छा है कि दूसरी द्वारिका बना लो, दूसरी द्वारिका के बारे में सोचो। कन्हैया ने विश्वकर्मा को याद किया और रातों रात द्वारिका पुरी का निर्माण करा, इतना सुंदर भवन, सुधर्मा नामक सभा, इंद्र की सभा को भी मात देवे इतनी सुंदर नगरी बनाई। लोग पूछते कि द्वार किधर है, द्वार किधर है, सब भटक जाते, इतने सारे द्वार थे तो नाम ही पड़ गया द्वारिका, का द्वारिका, द्वारिका, द्वारिका। और द्वारिका निर्माण करके भगवान ने सबको द्वारिका शिफ्ट कर दिया। संदेश मिला हम सबको भी, बुढ़ापा बार बार तंग करे तो हमें एक नए द्वारिका का निर्माण करा लेना चाहिए जीते जी, नहीं तो परीक्षा हॉल में बैठने से कौन डरता है जो बच्चा होमवर्क नहीं किया रहता है। हम लोगों को भी होमवर्क कर लेना चाहिए, नहीं तो सबको डरना पड़ेगा। इसलिए डरना नहीं, जो गुरु का लाल होता है वह नहीं डरता, बाकी भले सब डरे तो डरे। अरे बजाना है तो एक साथ बजाओ ना, क्या बार बार बजाते हो, ये अभी ना बात, एक इधर बजाए, एक उधर बजाए, एक उधर बजाए, एकता का परिचय दो, एक ने बजाया सबने साथ दिया। गुरु का लाल नहीं डरता, जिसको पता होता है कि अब ये पुराना मकान हो गया, इसको बदल करेंगे, नया शरीर मिलेगा, नया घर मिलेगा, नई मम्मी, नया पप्पा, नया खिलौना, नई गाड़ी, सब नया मिलने वाला है। आत्मा तो अमर है, यही भाव लेकर के सबको रहना चाहिए।
द्वारिका में गए प्रभु, और वहाँ जा करके सबसे पहले रेवत, राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ में श्री बलराम भैया का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। दूसरा, कुंडिनपुर निवासी राजा भीष्मक की कन्या लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के साथ में भगवान श्री द्वारिकाधीश का विवाह संपन्न होता है। बोलो द्वारिकाधीश की। परीक्षित ने कहा कि द्वारिकाधीश का विवाह इतने एक शब्दों में करवा दिया आपने? नहीं नहीं, मुझे तो जरा सुंदर से व्यवस्थित रूप से सुनना है, तो सुनना है तो सुनो। कुंडिनपुर में भीष्मक की पुत्री है रुक्मिणी, उसका बड़ा भाई रुक्मी, और भी भाई रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश। तो जो बड़ा भाई रुक्मी है वह जो है अपने राजनीतिक सिद्ध करने के लिए शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहता है, लेकिन रुक्मिणी नारद जी से भगवान द्वारिकाधीश के बारे में सुनने के बाद अपने मन को भगवान में लगाती है, बहुत दुखी रहती है। रुक्मिणी ने कहा, आकर डांट के कहा कि अरे सुनो, हमने तुम्हारा विवाह निश्चय कर दिया है और बस आज से परसों ही तुम्हारा स्वयंवर है। स्वयंवर में कन्या स्वयं वर का वरण करती है, लेकिन तुमको तो शिशुपाल का ही वरण करना है, गड़बड़ी नहीं करना, ये तो केवल औपचारिकता है। रुक्मिणी अंदर अंदर बहुत रोती है, दुखी होती है, किसी से कह नहीं पाती है, गुरुदेव को याद करती है, भगवान से मिलना है। सुदेव नामक एक विप्र आए और आते ही भीतर आए, सब सखियां चली गई, रोने लगी। गुरुदेव ने कहा कुछ लिख करके दे दो, लिख कर दिया। रुक्मिणी पति लिख रही रुक्मिणी नारी द्वारिका वासी ने, पति लिख रही रुक्मिणी नारी द्वारिका वासी ने, पति लिख रही रुक्मिणी नारी द्वारिका वासी पाड़ कर पाती बनाई उंगली कलम दवा, पाड़ के पाती बनाए उंगली कलम दवा, कृष्ण चंद्र को नाम लिखो है, कृष्ण चंद्र को नाम लिखो है, विप्र द्वारिका ले जाए द्वारिका वासी ने, पाती लेकर रही रुक्मिणी नारी द्वारिका वासी ने। मगन गेरी गा बगले गेरी माछली ने, सिंहन घेरी गा रुक्मिणी ने तो असुर घेरी, रुक्मिणी ने तो असुर घेरी, बेगी ले वो रे छुड़ाए द्वारिका वासी ने, पाती लिख रही रुक्मिणी द्वारिका वासी ने, ओ
हाथी देखो नहीं रोको बनना बाहर का वाची मैं हाथी लेकर नहीं रोको बनना द्वारिका वासी द्वारिका वासी मैं द्वारिका वासी बोलो द्वारिकाधीश की ऐसा जयकारा फिर गलती कर दिया द्वारिकाधीश की जय हो देखो कितना अंतर आता है तो रुक्मिणी माई पाते लिखी है और इसको कहते हैं प्रेम पत्र क्या लिखा सुनना चाहते हो आप लोग सुनना है क्या लिखा प्रेम पत्र में वाह बड़ा शौक है सुनने का दूसरे का प्रेम पत्र पढ़ने का बड़ा शौक है प्रेम पत्र पढ़ना चाहिए किसी का नहीं पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ूं छोड़ दूं पढ़ना है बोलो पढ़ना नहीं चाहिए और पढ़िए दोनों कह रही है एक साथ सामान्य लोगों का तो नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन रुक्मिणी तो माता लक्ष्मी स्वरूपा है एक भक्त भगवान के लिए क्या निवेदन करता है जरूर ये तो ज्ञानवर्धक है भक्त को भगवान ये जो शरीर है ये रुक्मिणी कहती है हे प्रभु हम यहाँ कुंडिनपुर में हैं ये शरीर भी कुंडली कुंडली है ना इसमें ये शरीर भी कुंडिनपुर ही है हमसे हमको यहाँ से ले चलिए आप भी एक बार जरूर भगवान से कहना कि प्रभु इस दुखों के कुंड से हमें बाहर लेकर अपनी द्वारिका में जाकर बसा दीजिए प्रभु एक बार तो कहना पड़ता है सबको श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपं दृशां दृश्यमताम अखिलार्थलाभम तैयच्युता विशत चित्तम पत्र पंबे जन्म जन्म के लागी लगन है जन्म जन्म के लागी लगन है साखी तारा भरा गगन है साखी तारा भरा गगन स्वागत का अधिकार दीजिए स्वागत का अधिकार सुनिए विनती सुनिए विनती सुनिए विनती सुनिए विनती सुनिए विनती सुनिए हे प्रभु आप हमको लेने के लिए आना जरूर लेकिन ऐसी वैसी जगह पर मत आ जाना लेने के लिए मैं खा रहा हूं तब नहीं आना मैं सो रहा हूं तब नहीं आना पता लगा हम गए निपटने के लिए वहीं निपट गए ऐसे वैसी जगह पर मत आना प्रभु लेने के लिए हमको लेने आना तो तब जब मैं आपकी आराधना कर रहा हूं जब पूजा कर रहा हूं प्रभु आपका अरदास कर रहा हूं आपकी जोत ले रहा हूं तब आप हमें आना लेने के लिए मैया रुक्मिणी कहती कि पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर नव बधुर गिरजा उपयात बस परसों ही एक देवी की यात्रा है उस यात्रा में नवोढ़ा कन्याएं पूजा करने के लिए किशोरी जी की गिरजा के मंदिर में जाती है जब मैं मंदिर में बैठकर आपका अरदास कर रहा हूं उस समय पे आना श्री गंगा जी का तट हो
यमुना या बंसी बट हो मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से गोविंद नाम निकले, तब प्राण तन से पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मन में ये बसी हो, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। कितना सुंदर संदेश है, बोलो ऐसा प्रेम पत्र पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए ना, ऐसा प्रेम हो जैसे रुक्मिणी ने आज एक बार भगवान से निवेदन किया है कि आप यदि लेने नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाने वाली किसी और के हाथ, चाहे मुझे मृत्यु का वरण करना पड़े तो कर लेंगे, आपके सिवा किसी और का वरण नहीं करने वाली। 100 बार मरने के लिए तैयार है, 1,00,000 बार मरने के लिए तैयार है, लेकिन वरेंगे तो आपको ही वरेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प। मैं बारंबार मरूंगी जरूर लेकिन वरूंगी नहीं किसी को, ऐसा निश्चय। तजउ न नारद कर उपदेश, आप कहे सत बार महेश। मैं गुरुदेव के वचनों का त्याग नहीं करूंगी, दृढ़ विश्वास करके संकल्प नहीं तोड़ने वाले, आपको तो आना पड़ेगा, यह निश्चय करती है। ब्राह्मण देवता भगवान के दाम में जाकर द्वारिकाधीश को प्रश्न पत्र पढ़ाते हैं, प्रभु पत्र पढ़कर रोने लगे। बोले ब्राह्मण देवता अब समय नहीं है, भोजन करिए। संतों को पहले भोजन कराया, पत्र पढ़े और सीधे उनके साथ ही चल दिए रथ में बैठकर। पीछे से बलराम भैया सैनिक लेकर आए, रात में ही द्वारिका से कुंडिनपुर रात्र में पहुंच गए। गुरुदेव ने संदेश भेज दिया है, चिंता मत करो, द्वारिकाधीश आ गया छे। खुश थे गया, बहुत खुश हुई रुक्मिणी। और अब तक तो सबको फटकारती थी, मुझे श्रृंगार नहीं करना, मुझे मेहंदी नहीं लगाना, मुझे साड़ी नहीं पहनना, ये नहीं करना, खाना नहीं खाना। आज तो खुद कह रही है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी पहनाओ, सखियों ने पूछा कैसी पहनोगी? ऐसी पहनो चूड़ी जो कभी न टूटे, 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 ऐसा भरो दुल्हा जो कभी न छूटे, ऐसा भरो दुल्हा जो कभी न छूटे,
गुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। शुरुआत कहाँ से हुई? सत्संग में मेरी बात चलाए, 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 सतगुरु ने की मिली मेरी सदाए, सतगुरु ने की मेरी सदाए, सतगुरु ने की मेरी सगाई, सतगुरु ने की मेरी सगाई, उनको बोला के हथेलीवा तो करा दो, गुरु को बोला के हथेलीवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन रुक्मिणी बाई सज धज कर तैयार होती है, गिरजा पूजन के लिए पधारती है, वहाँ द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, गिरजा माता से आशीर्वाद लेती है। गौरी ने, माता पार्वती ने आशीर्वाद के रूप में अपने गले का हार रुक्मिणी माता के गले में गिरा दिया है, पहरा दिया है, और रुक्मिणी बाई खुश होती है, फूल का प्रसाद मिला है, दौड़ करके बाहर आती है और खोजती है, चमकती हुई आंखें गोविंद को देख करके खुश हो जाती है, समझ जाती यही है हमारे प्रीतम, दौड़कर आती प्रणाम करती है, कन्हैया हाथ पकड़ कर रथ पर बैठाते हैं और बैठाकर एक दो तीन हो जाते हैं। अब तो जितने सैनिक रक्षक थे वो सब देखते ही रह गए, पहले तो कह रहे थे वाह क्या सुंदर स्वरूप है, क्या रथ है, क्या पताका है, जब दूर चले गए सैनिकों ने कहा कि अरे क्या पताका देख रहे हो, ले गए किशोरी जी को देखो, रुक्मिणी जी चली गई। अब तो हाहाकार मच गया, दौड़ कर गए, संदेश दिया शिशुपाल ने, बड़ा धिक्कारा उसको रुक्मिणी को कि हम लोगों को बुला करके अपमान करते हो। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की यदि मैं जीत करके बहन को वापस न लाऊं तो मैं वापस इस धरती पर कदम नहीं रखूंगा, वापस कुंडिनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। रुक्मी पीछे से गया युद्ध करने के लिए, भगवान एक हाथ से बाण भी चलाते और एक हाथ से रथ भी संभालते, आखिरकार युद्ध को भगवान ने जीत लिया, रुक्मी को बंदी बना लिया। पीछे से बलदेव भैया ने आकर के रुक्मी को बचाया और बचाने से छोड़ दिया, रुक्मी बहुत लज्जित हुआ लेकिन वापस लौट कर नहीं आया, उसने भी भोजकट नामक नगर बसाकर वहीं रह गए। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आए और द्वारिका में फिर धूमधाम से विवाह ठहर गया। आप भी आकर के जरा पूजन कर लो ठाकुर जी का।